हिमाचल में भारी बारिश ने हर जगह तबाही मचाई हुई है। आए दिन बाढ़ के कारण हो रहे नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं भारी बारिश के बाद शिमला के फोर लेन की हालत इतनी बिगड़ गई है कि वाहनों का निकलना तक मुश्किल हो चुका है। ताज़ा वीडियो शिमला के मोटोर फोर लेन मार्ग के पुराने पुल का है, जहां बारिश का पानी भरने से जगह जगह गड्ढे होने से वाहनों का निकलना मुश्किल हो चुका है। गाड़ियों के टायर पानी में डूब चुके हैं। पानी भरने से ट्रैफिक थम गया है, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। वहीं भारी बारिश के चलते कांगड़ा के रानीताल के पास भी लंबा जाम दिखाई दिया। कुदरत का कहर हिमाचल पर बरस रहा है। शिमला के निर्माणाधीन फोर लेन सड़क पर पहाड़ी से मलबा गिरने की खबर भी सामने आई है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जान माल को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जनजीवन इस भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से काफी अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। फिलहाल जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी है। वहीं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार भूस्खलन से प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उच्च मार्ग और 213 सड़कें अवरुद्ध हो चुकी हैं। इसके अलावा 218 बिजली और ट्रांसफार्मर और 143 पेयजल परियोजनाएं भी ठप हो चुकी हैं। शिमला जिले में 89 सड़कें भूस्खलन से बंद हैं। सिरमौर में 42, मंडी में 37, कुल्लू में 26, किन्नौर में 4, कांगड़ा में 6 सड़कों पर आवाजाही बाधित हो चुकी है। विभाग का दावा है कि सड़कों को जल्द से जल्द खोल दिया जाएगा। प्रदेश में मानसून सीजन के पिछले 47 दिनों में हुई बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से हुई क्षति 1,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार लोक निर्माण विभाग को 436 करोड़, जल शक्ति विभाग को 403 करोड़ और बागवानी विभाग को 139 करोड़ का नुकसान पहुँचा है। मानसून के दौरान बारिश से जुड़े हादसों में 194 लोगों की अब तक मौत का आंकड़ा सामने आया है। आपको बताएं कि मौसम विभाग ने आगामी 19 अगस्त तक प्रदेश में मानसून के सक्रिय बने रहने की संभावना जताई है और इस दौरान मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और शिमला में बाढ़ का खतरा जताया है। इन जिलों में बाढ़ आने की आशंका भी जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। आपको बता दें, 2 दिन पहले भी ऊना और सिरमौर जिलों में बाढ़ ने काफी तबाही मचाई थी।